हेलो फ्रेंड, भूपेंद्र सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम गुरु में स्वागत है। आप सभी चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ बन चुके हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 19 मई हो चुकी है और 19 मई की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हम आपके सामने। जैसा कि आप सबको पता पड़ चुका होगा नए यूट्यूब के माध्यम से कि जो जो हमारी केस की सुनवाई थी, जो रजनीश जी और राजेश जी की जो बेंच में होने वाली थी, वो बदल के जो सुनवाई वो मुख्य चीफ जस्टिस जो गोविंद सिंह माथुर जी है उनकी बेंच में पहुंच चुकी है। अब उसमें होना क्या है वो हम आपको ये बताते हैं। तो पहले चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो भी हम पल पल की न्यूज़ आपके सामने लेकर आते हैं वो आप तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो तक तो चलते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो बेंच हैं, जो केस जो था आपका, जो रजनीश जी और राजेश जी की बेंच में सुना जाना था, अब वो चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी की बेंच में सुना जाएगा। और उसको ध्यान में रखते हुए कि आपको सबको पता है कि सर जो आपके शिक्षा मित्र हैं उन्होंने भी अपना विपक्ष का जो रिजोल्यूशन था वो लगा दिया, जो ऑब्जेक्शन फाइल थी वो कर दी है और अब उनको रिजोइनर लगाना है। और जैसा कि आप सबको पता है कि बीटीसी वालों ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, उन्होंने भी उसके उसमें रिजोइनर लगाया है। और वो ये बताते हैं कि हमारा रिजोइनर बहुत ही मजबूत है जिसको कोई काट नहीं कर सकता। और जैसा कि सबको पता है कि 23 मई को इसकी सुनवाई होनी है और 23 मई को सुनवाई होने के पश्चात में इस केस में बहुत ही अहम मुद्दा होगा। और आप सबको पता है कि जब केस चीफ जस्टिस की बेंच में पहुंच जाता है तो केस को वो केस जल्दी सुलझता है, उस केस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और आप सबको बता दें इस केस में मजबूती जब भी मिलेगी जब इसमें सरकार स्वयं ही अपनी फाइल दाखिल करेगी, क्योंकि सरकार अभी सुनने में ये आ रहा था कि सरकार 20 तारीख तक अपनी फाइल दाखिल कर देगी, किंतु आज 19 तारीख हो चुकी है और कल तक कोई फाइल दाखिल नहीं है, क्योंकि आज संडे है और कल 20 का मंडे है। अगर सरकार कल तक भी अपनी फाइल दाखिल कर देती है तो इस केस में बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी और जो 60 और 65 के लिए बहुत ही सुगद एक मतलब जो बोलते हैं अच्छी न्यूज के साथ में आने की संभावना है। अब दोस्तों इसमें देखना है कि इसमें होने की क्या क्या संभावना है, क्योंकि केस बहुत ही अति संवेदनशील स्थिति में आ चुका है, क्योंकि खुद ही इसमें सीजे साहब इस केस को सुनेंगे और इस केस का निपटारा जल्दी ही 1 या 2 डेट में होने की संभावना है, क्योंकि सीजे की बेंच में जाने के पश्चात केस ज़्यादा लंबे नहीं खींचता है, वो बहुत ही जल्दी से सोल्व होने की संभावना बन जाती है। दोस्तों आप हमें चैनल को साथ बने रहें और जिन व्यक्तियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों कम से कम चैनल को सब्सक्राइब आप करना चाहिए, क्योंकि जब हम आपको न्यूज़ देते हैं तो आपको पल पल के अपडेट के साथ आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपका अपना भूपेंद्र सिंह।